सो गाइस, आज का ये वीडियो रोस्टिंग के ऊपर तो है, लेकिन सौरभ जोशी के ऊपर नहीं, एक आतिशबाजी इंसान जो पांगे से गिर के जिसके सर पे चोट लग गई उसके बारे में है, जिसका नाम तो मैं पूरा लेना नहीं चाहूंगा। उसका चैनल का नाम कुछ इस प्रकार है, इंडियन गेमिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगा। इनको समझ में नहीं आता, गेम का चैनल खोल के बैठे हैं और रोस्टिंग करने चले हैं, पूरे ध्यान रखते नहीं है, किसी चीज का पूरी नॉलेज रखते नहीं है और बड़े बड़े लोगों को रोस्ट करने चले हैं। अबे तू सौरभ जोशी के ऊपर रोस्ट कर रहा है, तेरे को पता भी है उसने कितनी मेहनत करी है, क्या क्या नहीं करा है उसने, कितनी मेहनत के बाद वहां पहुंचा है, तो उसको रोस्ट करेगा? तेरे को रोस्ट करना है कर ले, लेकिन पूरी जानकारी तो पहले दिमाग में रख लिया कर, पूरी इंफॉर्मेशन तो रख लिया कर। तू एक नंबर का चू है, ठीक है, तुझे किसी बात का अता पता तो है नहीं। इस बंदे ने सौरभ जोशी का एक क्लिप लेके, मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी देखना इस गवार की हरकतें। इस बंदे ने सौरभ जोशी का एक क्लिप उठाकर उसमें एक ही बात बोली है और कुछ भी नहीं बोला है, रोस्टिंग के नाम पे उसने एक ही बात बोली है कि ये दूसरे लोगों को, तो दूसरे लोगों जब ये बाइक पे जाते हैं सौरभ जोशी, दूसरे लोगों को बोलते हैं मास्क पहनो मास्क पहनो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसने जो पॉइंट उठा के बोला, इसने बोला है कि इसके फादर जब बाहर काम कर रहे थे तो उन्होंने मास्क नहीं पहना, वो बोल रहा है कि अपने फादर को तो बोल नहीं सकता और दूसरों के पीछे पड़ गया मास्क पहनो मास्क पहनो। अरे भाई वो तो अच्छी बात कर रहा है। दूसरी बात देखो, मैं ये बता दूं कि उसके फादर ने मास्क क्यों नहीं पहना, अब उसका रीजन सुन रहे आतिशबाजी। लो, आपको जैसे कि पता है हरियाणा राजस्थान का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, कि आप घर के बाहर काम करते हुए मास्क सारा टाइम नहीं पहन सकते। देखो मैं क्या बोलूं, तू बचपन में गिर गया था क्या पालने से, बुद्धि खराब हो गई है क्या तेरी? देखो एक बात समझ में नहीं आ रही, वो जब बच्चों को बोल रहा है कि मास्क पहनो मास्क पहनो, तो वो सार्वजनिक जगह पे है, सार्वजनिक जगह का मतलब जाता भी है पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पे एक लोग दूसरे लोग से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं, इसलिए वहां पे मास्क पहनना जरूरी है। और उसके फादर जो है ना अपने घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप फोटो में देख सकते हो या उस वीडियो में भी जाके देख सकते हो, उसके जो फादर है घर के बाहर अपना गेट ठीक कर रहे हैं। और मास्क नहीं पहनने की जहां तक बात है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान और हरियाणा का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सार्वजनिक जगह पे है, वो अपने घर के पास में अपने गेट पे काम कर रहे हैं, अपना गेट ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वो बहुत देर से काम कर रहे हो, उन्होंने मास्क हटा के रखा। आप भी जानते हैं अगर धूप में बाहर गर्मी में अगर आप कोई काम करोगे तो आप मास्क नहीं पहन सकते सारा टाइम, ठीक है, मास्क नहीं पहना जाता, पसीने से मास्क बिल्कुल गीला हो जाता है, उसमें सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो वो कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, या पब्लिक प्लेस पे नहीं है, ना सार्वजनिक जगह पे है, ना वो किसी से इंटरेक्ट हो रहा है, ना किसी से बात कर रहे हैं, वो अकेले बैठे हुए और अपने घर पे है, ठीक है, एक तरह से घर पे ही हुआ है क्योंकि वो घर का गेट ठीक कर रहे हैं, ना वो घर की ज्यादा बाहर है ना घर की ज्यादा अंदर है, ठीक है। अगर तू मुझे आके घर पे बोलेगा ना मास्क पहनो, तो तेरा मास्क तेरे में घुसेड़ दूंगा, ठीक है ना। देखो ज्यादा बोलना आ गया क्या दूसरों के बारे में, खुद को तो कुछ पता है नहीं, घर में बैठे बैठे दो बातें बोल सकता है दूसरे की वीडियो उठा के, पहले पूरी जांच पड़ताल तो कर लेता, देख तो लेता कर क्या रहे हो। सौरभ जोशी का सही है बोलना कि दूसरों को वो इंटैक्ट कर रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपस में इतने पास पास खेल रहे हैं, तो वो सही है बोलना कि मास्क पहनो, लेकिन तू बोल रहा है कि अपने पापा को नहीं बोला, अबे एक बार देख तो ले बैठे कहाँ पर कर क्या रहे हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं, वो किसी से कुछ काम कर रहे हैं। तू कर सकता है 24 घंटे मास्क पहन के बाहर काम करके दिखा दे, मैं खुद ही मास्क पहन के बाहर जब गाड़ी वॉश करता हूँ या गाड़ी ठीक करता हूँ तो मैं खुद ही सारा टाइम मास्क नहीं पहन सकता। मैं गाड़ी ठीक कर रहा हूँ, गाड़ी से थोड़ी ना बातें कर रहा हूँ, गाड़ी में थोड़ी ना कोरोना वायरस है, अकेला काम कर रहा हूँ मैं, छत पे कपड़े धोता, तू मास्क पहन के धोता है क्या? आते हो समझ में नहीं आ रही, मास्क पहनो बात करता है, ऐसे लोगों को ना गीले रुमाल से मारना चाहिए सड़क पे खड़ा हो, समझ में आती नहीं है। रोस्ट करने चले, रोस्ट का आर भी बता दे, पहले पूरी वो इंफॉर्मेशन जुगाड़ लिया कर, उसके बाद रोस्ट किया कर, पानने से गिरे हुए क्रैक माइंड आता है नहीं, रोस्ट करना रोस्ट करने चला, तेको पता है सौरभ जोशी क्या नाम है, अगर 13 सब्सक्राइबर उसमें माइनस कर दो ना तो भी उसके पास बहुत बचते हैं, ठीक है ना। रोस्ट करने चला है, आज के बाद रोस्ट करने से पहले पहले पूरी इन्फॉर्मेशन रख लिया अगर, उसके बाद रोस्ट करना, नहीं तो तेरे जैसे की बैंड हो जाना, मेरे छोड़ना तेरे से क्या बात करूं। अब इसका चैनल तो जाके देखे, चूतियापना मचा रखा है चैनल के नाम पे, गेमिंग का चैनल है और रोस्ट कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, विदाउट इन्फॉर्मेशन विदाउट किसी चीज के, अनसंट बोले जा रहा है, अनसंट करे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बंदे ने इतना दिमाग, इसको पता मुझे गालियां पड़ेगी, मैं जो हरकतें कर रहा हूँ मुझे गालियां, तो उसने अपने लाइक और डिसलाइक ऑफ कर रखे हैं ताकि पता ही नहीं चले कि डिसलाइक कितना है लाइक कितना है। हिम्मत है तो लाइक और डिसलाइक ऑन करके बताना, फिर तेरी औकात पता चल जाएगी असली वाली। साले सौरभ जोशी को रोस्ट करेगा तू, तेरे में रोस्ट जैसा करना क्या है, ओरियो और तेरे को साथ में अकेला छोड़ देना तो ओरियो तेरी बच्ची ले लेगा, तू इतना चूतिया है, ठीक है ना। तो आज के बाद रोस्ट करने से पहले एक बार पूरी इंफॉर्मेशन जुगाड़ लेना और किसी के बारे में औंधी सीधी बात मत करना आज के बाद। और आप एक बार इसका डिस्क्रिप्शन में जाके इसका वीडियो देखिए, दिमाग खराब हो जाएगा, फालतू कुछ भी बात करता है। और मैं सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है ना, तो उसके बारे में बोलने से पहले, हाँ ठीक है रोस्ट करो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन पहले एक बार देख लो वीडियो में क्या है क्या नहीं है, बेफालतू में कुछ भी बात उठा के चालू हो जाते हो, तो पहले पूरी अच्छी तरह से चीज देखो उसके बाद बोलो।